मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू की बात कर रहे हैं। आज भी महू तहसील के ग्राम पंचायत में विकास नहीं किया जा रहा है। पंचायत के इस इलाके में जाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलकर एवं कीचड़ भरी सड़क से गुजरकर होके जाना पड़ता है। ऐसा ही एक गांव महू तहसील के ग्राम पंचायत भगोरा में है। करौंदिया जो कि ग्राम पंचायत द्वारा आज तक इस गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया गया। यहां तक कि जो मूलभूत सुविधाएं ग्राम पंचायत द्वारा दी जानी चाहिए इस गांव में दूर दूर तक नजर नहीं आई। सचिव हाय 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 हाय, सरपंच हाय 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 हाय, मंत्री हाय 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 हाय, भगोरा पंचायत हाय हाय हाय, भुक्की पंचायत हाय हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पंचायत भगोरा हाय हाय, मंत्री सचिव हाय हाय, मंत्री सचिव हाय हाय, भगोरा पंचायत हाय हाय, भगोरा पंचायत भूखी है, भगोरा पंचायत भूखी है। हमारी मांगे पूरी करो को लेकर यह समस्या कि हमारे गांव में ना तो रोड का कुछ विकास हुआ है, ना ही शौचालय का कुछ विकास हुआ। शौचालय बने हुए हैं हमारे गांव में, पर उनका सभी काम अधूरा है। ना ही उनकी चद्दर है, ना ही सीट है उनकी, और बनाई है तो उन्होंने 600-600 ईंट दी है शौचालय के लिए, 600-600 तगाड़ी उन्होंने रेती वगैरह दी है। बस उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ना दरवाजे दिए उन्होंने। और जिसके बाद में हमारे वहाँ पर कभी खरेंजा तक भी नहीं हुआ है, कि खरेंजा तक भी नहीं हुआ है। ना ही हमारे वहाँ मसान की कुछ सुविधा है, कोई की मृत्यु वगैरह डेट वगैरह हो जाती है अगर, तो ऐसी पल्ली डाल डाल कर उनको जलाया जाता है, कि पल्ली डाल डाल कर लोग ऐसी कीचड़ घूंध घूंध के जाते हैं बिल्कुल। ना ही धर्मशाला है हमारे वहाँ पर, गांव के लोग है सब पल्ली डाल डाल के, कोई उसके वहां पर जो उनको ये करते हैं कार्यक्रम, कोई उनके वहां पर कार्यक्रम कर करके ले जाते हैं कि आपके वहां जिमाओ, उनके वहां जिमाओ, ऐसा कर करके। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहां का कोई सरपंच भी यहां पर नहीं आता, तो अब ये आने वाले चुनाव में क्या कहेंगे? आने वाले चुनाव में हम तो ये कहेंगे, ना तो हम जनता को वोट देंगे, ना ही कांग्रेस को वोट देंगे। कोई ही हमारा निर्दलीय इंसान खड़ा करेंगे हमारे गाँव का, जो हमारे गाँव का विकास कर सके, हम उसी को वोट देंगे। सर, हमारे गांव में ये समस्या, पहले तो रोड की समस्या है, दूसरी शमशान घाट की है, तीसरी जो गांव में खरुंजा पानी भर जाता है, चौथी समस्या शौचालय नहीं, शौचालय बन गया, इसके ऊपर चद्दर नहीं है और किसी में सीट नहीं है बैठने के लिए, तो फुल्ला पुराई है इसका। कुटेर तो ये सर करीबन 20 साल में करीबन 4 कुटेर ही हो गए। इसके बाद सर ना सरपंच आता, ना सचिव आता, आता भी कभी तो हाँ करके चल जाता, जिसके बाद हमारे गांव की कोई सुनवाई नहीं, सब आदिवासी हम जे बोलते जे बुरा। तो हमारा ये कहना, जा बीजेपी आई जा कांग्रेस वाला है, हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम निर्दल देंगे वोट, हमारा आदमी जा हमारे में ताकत हो गांव वाले में, तो हम खुद स्वयं खड़ा करके चुनाव लड़ाएंगे इनके। एकदम सब आए थे हमारे, ये आज तीन दिन हो गया। एसडीएम साहब ने पूरी समस्या देखी कि वाकई में गांव में गड्ढा में पड़ा, इसकी कुछ भी समस्या किया जाए, ना तो रोड इसमें, ना खरौंजा, ना शमशान घाट है। तो एसडीएम साहब ने क्या कहा है? एसडीएम साहब ने क्या कि इनको 1 महीने के अपन छूट दे दो, और तीसरे दिन अपना 3 तारीख वापस अपनी, फिर पता नहीं तो हम गांव मचा देंगे। तो सब ने हाँ करी है कि हम तीन तारीख तक, ये अभी बारिश का चल रहा मामला, जिस करौंजा गांव का निर्नाम करें।